गर्मी के कारण देश में सैकड़ों बच्चों की, बुजुर्गों की और आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। गर्मी से बचने के लिए सबसे कारगर उपाय है घड़े का पानी पियो, और घड़े के पानी में नींबू और पुदीना डाल करके पीते हैं, शिकंजी बना करके, तो ये सबसे अच्छा उपाय होता है। पहले भी हमारे देश में गर्मी होती थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार 50 डिग्री और उससे ऊपर भी टेम्परेचर देश में गया है। राजस्थान और देश के कुछ भागों में, अभी तो हरिद्वार में भी काफ़ी अच्छा तापमान हो रहा है। तो नींबू पानी जो हमारे यहाँ सदियों से पिया जाता था, ये तो बीच में कोल्ड ड्रिंक कंपनियाँ ऐसी आ गई कि उन्होंने ठंडे का मतलब वो कार्बोनेटेड वाटर कर दिया। हमने नींबू पानी, थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, और ये सेंधा नमक भी मैंने रखा हुआ है। हमारे यहाँ पर सदियों से नींबू पानी, इसमें किसी को थोड़ा मिलाना हो तो नींबू पानी के अंदर ये पुदीना मिला सकते हैं, तो और ज़्यादा ठंडा और पेट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। फिर इसी नींबू पानी के साथ देश के अधिकांश भागों के अंदर सत्तू पीने का रिवाज है, तो सत्तू ये भी पानी के अंदर ही डाल करके नींबू के साथ, इसमें कहीं हरी मिर्च और कहीं प्याज भी डालते हैं। प्याज जो है ये गर्मी के लिए अचूक औषधि है। राजस्थान में, क्योंकि मेरा जन्म तो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर हुआ है, माँ का शरीर राजस्थान से और पिता का शरीर हरियाणा से, इसलिए मैंने तो इन चीज़ों को बचपन से देखा है। अब ये गर्मी के लिए औषधि तैयार होगी, जो का अथवा चने का सत्तू, जो का सत्तू और अच्छा होता है।